हाय गाइस साइलियर। तो भाई आज हम मतलब मेरी यूनिवर्सिटी है ब्रूनेल यूनिवर्सिटी, मैं इधर एमएससी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैसेज आ रहे थे कि भाई मतलब बच्चे मैसेज कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी दिखाओ। तो भाई आज मैं यूनिवर्सिटी का वॉक थ्रू दिखाऊँगा, अपनी पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊँगा आप लोगों को। तो इधर ये बी स्कूल है, मतलब यहाँ से ये किंगस्टन लेन है और किंगस्टन लेन से हमारी यूनि स्टार्ट होती है उधर, यहाँ से ये पूरी। तो अभी चलते चलते मैं सारा आपको कवर करूंगा यूनिवर्सिटी और दिखाऊंगा कि कैसी यूनिवर्सिटी है हमारी। तो भाई ये रोड से इधर आएंगे, अगर आप कैब वगैरह करके आ रहे हो तो इधर से ही कैब में आपको ये लेना है। और इधर कार पार्क है, इधर भी कार पार्क है, वरना ये मेन, अगर आप यहाँ पे भी उतरोगे, यहाँ पे भी आप अपना ड्रॉप ऑफ ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने एकोमोडेशन ले रखी है तो आपको पिछले वाले गेट से जाना पड़ेगा जो कि कॉम्प्लेक्स है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रखा है। अभी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे जो एकोमोडेशन है वो कैसी है। लेकिन ये मेन रिसेप्शन है और इधर मतलब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको रेजिडेंसीज वाले एकोमोडेशन के जो रिसेप्शन है, जैसे कि आई सम्बार्ड वगैरह है, कॉनकोर्स वगैरह है, वहाँ से कीज़ मिलती हैं, लेकिन कई बार इधर से भी मिलती है, तो वो आपको ईमेल पे पता चल जाएगा। वरना जो मेन रिसेप्शन है वो आपका बी स्कूल वगैरह है इधर, और मतलब कोई भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आपका इशू है या आपके कोर्स रिलेटेड इशू है वो आपको इधर जाके मिलेगा मेन रिसेप्शन में। और मेन रिसेप्शन में ही ना टीपी ऑफिस है इधर ना, अंडरग्राउंड है थोड़ा सा, तो वहाँ से भी आप अपना रिसेप्शन पे जाके या टीपीओ से आपको कोई भी कोर्स की या आपके करिकुलम वगैरह से कोई भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सब जगह इधर ही मिलेगी। और इसको ईस्टर्न गेटवे बिल्डिंग भी बोलते हैं इधर। तो अभी ये आज संडे है इसलिए खुला नहीं हुआ है, वरना इधर ये पूरा खुला रहता है मंडे टू फ्राइडे। और ये मैरी सी कॉल इधर एक एजुकेशन बिल्डिंग है, इधर मतलब क्लासेस लगती हैं लोगों की। और ना इधर ना कोड भी है, चार कोड है इधर, ईस्ट और साउथ उधर है, नॉर्थ और वेस्ट उधर है, नॉर्थ वेस्ट उधर है, ईस्ट साउथ उधर है। और जैसे अब ये वाला एरिया हम क्रॉस करेंगे, ये इधर ये वाली चीज़ पूरी कार पार्क है, और अभी उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो यहाँ पे ना, जैसे ही आप लोगों का ये एरिया ख़त्म होएगा, आपका स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह आ जाता है, तो ये सामने अभी क्रॉस करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इंडोर एथलेटिक सेंटर है, मतलब ये काइंड ऑफ जिम भी है, इसमें ना मिनी जिम है लेकिन मेन ये एथलेटिक सेंटर वगैरह है अंदर, जो मतलब एथलेटिक रेसेस होती हैं जो, या एथलेटिक स्पोर्ट्स होते हैं ना वो, उनकी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले ये मैप है इधर, ये मैप देख लो आप लोग या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो जितनी भी ये ब्लू बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी ब्लू बिल्डिंग सारी एकेडमिक जोन है, यहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं। जितने भी रेड दिख रहे हैं वो सब आपके हॉल्स हैं जहाँ पे आप एकोमोडेशन है आपकी। और ये ग्रीन वाले मतलब आपकी लेजर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह हो गया, इंडोर एथलेटिक हो गया, और ईस्टर्न गेटवे में मतलब खाने पीने का सामान है। और ये आपके बस स्टॉप हैं, यू सीरीज जैसे हम अक्सब्रिज में है ना, तो मेजॉरिटी की सारी बसेज U1, U3, U2 सब सारी मेजॉरिटी, सिर्फ U6 को छोड़ के सारी बसेज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया अक्सब्रिज का कवर करती है और आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देंगी। इसके अलावा एक 222 बस भी है, वो भी अक्सब्रिज आती है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी आती है अक्सब्रिज से। और आगे चलते हैं। और यही इधर ना कुछ अचीवर्स हैं हमारे, जो ब्रूनेल यूनिवर्सिटी के लोग, मतलब जिन लोगों, जो बच्चों ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रखा है उन सब के लिए। और एक बार अभी इधर ब्रूनेल का जो ये इंडोर एथलेटिक सेंटर है, इधर मैं दिखाता हूँ बच्चे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह बुक करना पड़ता है पैसों में, उसमें अभी नहीं जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। और मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि फेंसिंग वगैरह है, और उसको क्या बोलते हैं, जो वो आर्चरी है और फुटबॉल वगैरह, बास्केट वगैरह, बास्केटबॉल का एक स्पेशल कोर्ट भी है उधर। और ये रेजिडेंस एम्बेसडर का ऑफिस है इधर, और ये सारे ना यहाँ सारे मेल्स मिलते हैं, तो जो क्लिफ्टन और चैप्स्टो वगैरह होल है ना, उनके सारे मेल्स वगैरह इधर मिलते हैं। और ये मेजॉरिटी ना सारे ना एकोमोडेशन ही हैं, वो एकोमोडेशन वो हैं जो सारे ना अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन के लिए है, जैसे कि जो भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं ना,
मेजोरिटी ऑफ अंडर ग्रेड्स को यही वाला एरिया मिलता है, क्योंकि इधर ऐसा है कि जो आई स्मार्ट कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ पोस्ट ग्रेड बच्चों के लिए मिलता है, और जो भी क्लिफ्टन चैप्स्टो वगैरह हॉल्स हैं वो सारा इधर मिलता है। लेकिन एक जो 120 वाला है, क्या नाम उसका, क्लिफ्टन, क्लिफ्टन वाला, क्लिफ्टन में कोई भी रह सकता है क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट हॉल है, तो वो पोस्ट ग्रेड के बच्चे भी रहते हैं इधर और अंडर ग्रेड के बच्चे रहते हैं। और इधर ये हमारा स्पोर्ट्स सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर में जिम वगैरह है और स्क्वॉश क्लब है, स्क्वॉश कोर्ट है, और वॉल क्लाइंबिंग भी इधर होती है, उसके लिए भी आपको बुक करना पड़ता है, और नेट बॉल भी इधर होती है। तो ये सारी चीज़ है। तो भाई ये एक स्पोर्ट्स हॉल है और इधर बच्चे अभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बास्केटबॉल वगैरह कोर्ट है और यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पे ना हर एक जगह ना ये एंटी बैक्टीरियल वाइप्स हैं, तो आप अपने इक्विपमेंट वगैरह क्लीन कर सकते हो। और ये इधर आर्चरी वगैरह बच्चे खेल रहे हैं, उसने उधर जाने से मना कर दिया है हमको कैमरा रिकॉर्ड करने से, लेकिन। और भाई ये जिम के प्लान्स हैं इधर, अगर आपको जिम ज्वाइन करना है कि प्रीमियम है, पीक है, ऑफ पीक है, मतलब ये अगर 3 बजे तक करना है तो 1699 है, और नॉर्मल में अगर 20.97, और इसमें आपको स्पा वगैरह सब कुछ मिलता है। और भाई ये ब्रूनेल में एक रिवर भी बहती है भाई, क्या कहना चाहोगे शांतनु इसके बारे में? अभी ऐसी रिवर है तो सही, अच्छा ये रिवर है, इसीलिए तो थोड़ा लगता है कि ठीक है भाई, अभी यूनिवर्सिटी का फीचर है, ये हाईलाइट है भाई, कुछ अलग दिखता है। और ये इधर ये क्लिफ्टन हॉल है, ये इधर का सबसे चीपेस्ट हॉल है इसका। जब हम गए थे, जब हमारा एकोमोडेशन ईयर था, तो 121 कुछ था, शायद 125 या 130 हो गया होगा, क्योंकि हर साल मतलब कुछ पैसे बढ़ते हैं इधर ना। सिर्फ मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका पैसा, मतलब जो रूम्स है ना, रूम्स के साइज़ बड़े हैं, क्योंकि आप जो हमारा आउटलेट है ना रूम का, वो ऐसे है कि उसी में वॉशरूम इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ना शेयर्ड वॉशरूम मिलता है, 5 लोगों में आपको शेयर करना पड़ता है रूम। और इधर ना ऐसे है कि पी स्टेयर केस, टी स्टेयर केस, क्यू स्टेयर केस, और एक फ्लोर पर ना लड़कियाँ रहते हैं और एक फ्लोर पर लड़के रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि कई पूरे स्टेयर केस ही मतलब लड़कियों के हैं, कुछ लड़कों के ही हैं, तो वो आप मतलब अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको लड़कियों वाले फ्लोर पे रहना पड़ेगा, या लड़कों वाले, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो अपना स्टेयर केस या जो ऑल गर्ल्स वाला पूरा हॉल है उसमें भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे चीपेस्ट है, और बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे ना स्टे आपको शेयर्ड मतलब शेयर्ड वॉशरूम लेना पड़ेगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। और रूम्स बेशक इनके बड़े ही हैं अपने से, और ये पूरा लास्ट मतलब पूरा पीछे तक फैला हुआ है, विंडो दिखा ऐसे, विंडो की उनका विंडो बड़ा है, हाँ मतलब इनकी, अरे भाई ये कि रूम का साइज़ बड़ा है तो सारी चीज़ें ही बड़ी है इनकी। और इधर ना मतलब हर एक जगह ना पूरी यूनि में ही ना कि आपके ना बेंचेस वगैरह डाल रखे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, आप अपना ग्रुप के साथ, जैसे कि टेबल है उस पे बेंच भी, अगर कुछ पिकनिक वगैरह करनी है या कुछ खाना पीना है तो आप आराम से खा पी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ना इधर ऐसा है, एक तो ना ब्रूनेल की सेंटेंडर वगैरह के साथ टाई अप है, और जो कि उनके पूरे अपने प्रॉपर गैराजेज हैं जहाँ पे उनकी साइकिल पार्क हो सकती है, वरना इधर ना अपना इनका जिनकी पर्सनल साइकिल्स हैं वो लोग भी अपनी साइकिल पार्क कर सकते हैं इजीली। इधर पूरा प्रॉपर स्टैंड है, आपको अपना लॉक लगाना है और अपनी आप साइकिल पार्क कर सकते हैं। और इधर ये कि चेप्स्टो वगैरह ये वाला हॉल के ख़त्म हो गए, जैसे आप यहाँ से राइट लोगे ना, तो राइट में आपको ना ये लैनकेस्टर कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जैसे स्टॉकवेल हॉल है, और सदक है, और बोरो रोड है, और इधर ही ना लैनकेस्टर होटल एंड स्पा है, तो उधर भी मतलब आप जा सकते हो। या आपका कोई फैमिली वगैरह का बंदा आ रहा है और उनके पास रह नहीं सकते, वैसे तो हॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो हॉल में भी रुका सकते हो आप उनको 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा में तो फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको, या आपके फ्लैटमेट अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप लैनकेस्टर होटल में यहाँ पे रुकवा सकते हो किसी को। और आपका रूम भी ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब दो लोगों को रह सकते हैं, हाँ एक ही, लेकिन जिनके डबल बेड हैं जैसे वो नहीं है, हाँ, उसमें आप कर पाते हो, ये कौन कोर्स वगैरह हो गया हमारा, क्योंकि हमने सिंगल बेड वाला ले रखा है तो हमारे में दिक्कत है, लेकिन जिनके डबल बेड हैं वो कर सकते हैं। और ये मारिया ग्रे हॉल भी है इधर, और इधर जैसे कि ना जो ये वाले जैसे कि चेप्स्टो वगैरह में, अब उनको ऐसा लगता है कि वो साइकिल वाला स्टैंड ही दे सकते हैं उनको, तो उन लोगों को साइकिल, यहाँ पे ना इनकी ना कार पार्क के भी एरिया, यहाँ पे आप ना कार पार्क भी मिलती है इधर, जैसे हमारे आई सम्बाड़ में भी हमारे हॉल्स के सामने हमको कार पार्क मिलता है, और इधर भी जैसे कि सबके साथ, जैसे यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी है और साइकिल स्टैंड के साथ साथ ही आपका कार पार्क भी है, तो आप कार पार्क भी कर सकते हो आराम से।
और इधर ये हर एक ना, और हर एक हॉल का या हर एक कॉम्प्लेक्स का ना अपना लॉन्ड्री रूम है। जैसे कि आइसमबाड़ में तो बहुत सारे लॉन्ड्री रूम है, लेकिन लैंकेस्टर का ये लॉन्ड्री रूम है इधर, मतलब। और बहुत सारे, और मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ड्री रूम्स में ना आपको ना कॉइन्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि बड़े कलेक्ट करना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। हमको मांगने पड़ते हैं एक दूसरे से कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स मिलते नहीं है, और कैश वगैरह इधर कोई यूज़ करता नहीं है। ये सामने लैंकेस्टर होटल है, और ये भी मतलब सुंदर बना हुआ है। अगर आपको किसी दिन वैसे थोड़ी सी पार्टी करनी है तो लैंकेस्टर में भी कर सकते हो आप अपना होटल रूम वगैरह बुक करके, जैसे हम कोई रूम वगैरह इंडिया में बुक करके करते हैं। तो भाई वैसे तो हम उधर से आए थे सामने से, लेकिन इधर ना एक शॉर्टकट भी है इधर में ही, और ये एक मतलब जो अपना हॉल है ना इधर, मतलब अकेडमिक्स भी होता है इधर, मतलब क्लासेस भी लगती हैं लोगों की। और जैसे इस अकेडमिक वाले ब्लॉक से हम साइड में निकलेंगे ना, उधर एक कोर्ट है, वहाँ पे सब लोग पार्टी वार्टी करते हैं। तो अभी जैसे हम पहुँचते हैं उधर, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये मतलब ये बी स्कूल है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो भी बी स्कूल की क्लासेस है ना उनकी लगती हैं इधर क्लासेस। और ये कोड एरिया है, यहाँ पे सब लोग जिसका भी बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह है और वो सारी चीज़ें इधर ही होती हैं। तो जैसे उधर लोग अपना पार्टी कर रहे हैं बच्चे। और ये कोड ईस्ट है, जो उधर साउथ और वेस्ट था, तो इधर ईस्ट और नॉर्थ है। तो इधर पूरी पार्टी चलती है लोगों की, रात को इधर पूरा सीन बनता है। तो भाई ये कोड इधर मेन हब है पूरी सारे पार्टी जोन का, इधर जिसका भी बर्थडे सेलिब्रेट होता है, इवन जो मेरे ग्रुप के लोग भी हैं उनका भी, अगर हमारा पार्टी सेलिब्रेट अगर 10 से ज़्यादा लोग हैं ना तो इधर ही पार्टी हो सकती है, क्योंकि फ्लैट का जो हमारा किचन है ना उसमें 5 से 7 लोग ही आ सकते हैं। और उधर इतनी चेयर वगैरह भी नहीं है, इधर पूरा सीन है, आप पार्टी कर सकते हो आराम से। अभी शांता कुछ बताएगा आप, उठा ले बताऊँगा नहीं। ये आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बेंचेस रखे हैं, ये वो बेंचेस वगैरह, इसे तो आप आके बैठ सकते हो यहाँ पे। फिर आप देखो तो यहाँ स्टेयर्स है, ऐसा है, लॉन है, पूरा सीन चलता है यहाँ पे एकदम रात में ऐसे 3-3 बजे तक पार्टी है इधर। इधर और भी चीज़ें होती है वो भी बताने जा नहीं भाई, बस यहाँ ऐसे है कि आप देख लो, बस आप दारू पी रहे हो, मजा कर रहे हो। और ये लेक्चर सेंटर है इधर कोर्ट के सामने ही, और ये लेक्चर सेंटर है कोर्ट साउथ। और क्या कर रहा है भाई, लेक्चर सेंटर कोड साउथ है ये, और ये इधर इसके बाहर ही क्लास अटेंड करो, इधर ही दारू पी लो। और ये सारे इधर मतलब क्लासेस वगैरह हैं हर एक फ्लोर पे, और इधर ना कंप्यूटर वगैरह भी लगे हुए हैं जिनकी मतलब जो टेक्निकल कोर्सेज वाली क्लासेस हैं उनकी इधर होती है, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, वरना हर एक क्लास में ना। और मतलब इधर सीटिंग एरिया भी बहुत सारा है कि इधर ही बैठ के पढ़ना है, आपको वेट कर रहे हो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, तो इधर बैठ के आप वेट वगैरह भी कर सकते हो। लिफ्ट है, स्टेयर्स हैं, वॉशरूम है इधर अपने अपने। और अगर क्लासेस कोई खुली होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको, लाइट ऑन करियो, हाँ ठीक है। तो ये सारी क्लासेस हैं, तो छोटी क्लास है, बड़ी क्लासेस भी हैं। और अपना मतलब जो भी प्रोफेसर वगैरह है उनका अपना सिस्टम है इधर, वो आके लॉगिन करते हैं। ये प्रोजेक्टर क्लासेस हैं, और पूरी मतलब अच्छा सीन है, क्लासेस वगैरह बढ़िया हैं, प्रोफेसर का आप आके देख लेना कैसे बताएं। ये प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर वगैरह है, मतलब क्लासेस वगैरह पूरी मतलब पूरी टेक्निकली इक्विप्ड है क्लासेस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और सीट्स भी कंफर्टेबल है। और ना रूम का भी मतलब ना इधर, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे लेक्चर 107, तो आपको ना ऐसे लिखा होगा सिर्फ लेक्चर 107, लेक्चर 109 आपकी क्लासेस का, तो आपको इधर आके ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी क्लासेस है कौन से फ्लोर पे आपकी। तो इधर पूरा मेन्यू टाइप लगा हुआ है आपका इधर भी, कि कौन कौन सी क्लासेस कहाँ कहाँ हैं और कौन से विंग में, जैसे ये ईस्ट विंग है, वो उधर वेस्ट विंग है, तो ऐसे आप देख सकते हो। और ऐसे ऐसे ना मतलब स्टॉपी लगा रखे हैं हर एक जगह पे कि कोई कोई ऑफर चल रहा है, जैसे कि या NHS साइट वगैरह है, या ऐसे बोर्ड्स पे लगा देते हैं, जैसे कि जो इवेंट्स वगैरह होते हैं या जो हमारी ब्रूनेल की सोसाइटीज़ हैं इधर, वो लोग अपने अपना प्रमोशन इधर करते रहते हैं। ये वॉशरूम है इधर, और कर रहा है लोग है भाई। और ये वॉशरूम इधर वैसा है, और ये 1966 का एक पार्ट है इधर, और कैफे है इधर, मतलब इधर भी बैठ के आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, उसके अंदर भी बैठने की जगह है। और ये सामने स्टूडेंट सेंटर है, तो ये होवल बिल्डिंग है इधर, और इधर ही ना स्टूडेंट सेंटर है अपना। और स्टूडेंट सेंटर में जैसे कि आपको इधर अपना आओगे इधर तो BRP वगैरह कलेक्ट करना है, तो वो इधर से ही कलेक्ट होएगा।
और भी अगर आपका फीस रिलेटेड कोई इशू है या कई कई इशू ऐसे होते हैं कि जो TPO वगैरह आपका रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट सेंटर में करना है, या आपको फीस के रिलेटेड इशू है, या आपको अपना प्लेसमेंट ईयर वाला कोई चीज में चेंज कराना है, या आपके कोर्स को चेंज करना है, तो वो भी सारा स्टूडेंट सेंटर में ही होगा। और मतलब कई कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो दोनों में होंगे, और अभी ये बंद है, लेकिन ये मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 ओपन रहता है। और सामने अभी उधर अपने ये वही चैप्स्टो वाले हॉल्स है ना, चैप्स्टो वाले हॉल्स में मतलब वही है कि इधर एकोमोडेशन इधर तक है, और अंदर इन लोगों के अंदर भी इनकी ना पार्किंग टाइप है, जैसे कि जो साइकिल वाले स्टैंड्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं उधर अपना। ये क्या बोलते हैं, ये मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट, ये भी ना अपनी क्लासेस हैं उधर। देखो भाई ऊपर विंड मिल जा रहा है, कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, ठीक है। और उसके पीछे हमारा, उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वगैरह है जहाँ से हमको अपना सामान वगैरह कलेक्ट करना है। और ये ब्रूनेल मेडिकल सेंटर है, अगर क्योंकि हम सब इधर NHS रजिस्टर्ड है, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इधर, सबको का अपना मेडिकल सेंटर यही है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो पहले यही वाले सबसे फर्स्ट इधर ही जाते हैं सब लोग मेडिकल सेंटर में। और यही आपको ना पहले आपका ना यहाँ पे आके दोबारा TB टेस्ट वगैरह करेंगे ये लोग। जैसे आप NHS रजिस्टर करोगे ना, तो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए सब चीज़ों के लिए इधर ही आना है एक बारी, जो क्योंकि वो और मतलब वो बेसिक है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मेल आ रहा है कि आपको ब्लड टेस्ट के लिए करना है, तो आपको गलत है आपका, वो नॉर्मल इधर कंडीशंस है, नॉर्मल वो अपना करेंगे। और कोई भी दिक्कत है या आपको कोल्ड कफ वगैरह भी हो रहा है, तो यहीं से आपको दवाई वगैरह लेनी है। और इसकी फार्मेसी उधर कोस्ट कटर के वहाँ है, वो भी आते हुए दिखाऊंगा। और इधर जाके अपना लैंग्वेज सेंटर है, अगर को आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है इधर आके, तो आप वो भी सीख सकते हो सामने, इधर से जाके सामने लैंग्वेज सेंटर है। और इधर ये ब्रूनेल रेसिंग भी है, इसके अंदर एक लैम्बो खड़ी है, वो लैम्बो निकाल के उसमें रेस होती है। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मतलब ना ये मतलब ये ब्रूनेल रेसिंग का ना डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इनका एक अपना रेस को ये टीम है इधर, वो लोग अपनी रेस करते हैं ट्रैक पे। और इसके अंदर इनके पार्ट्स वगैरह हैं, मशीन वगैरह हैं, इसमें गाड़ी ले जाते हैं वो लोग जब ट्रैक पे जाते हैं, तो ऐसे करके ये गाड़ी ले जाते हैं, फिर उनके पार्ट्स होते हैं, उनके गाड़ी में गाड़ी होते हैं ऐसे। ये मतलब बराबर का, जैसा हमारा इंडिया में फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, वैसा यहाँ भी एक फॉर्मूला स्टूडेंट होता है। मैं वही कोर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो ऐसा है फिर कि मेरा ऑटोमोटिव एंड मोटर स्पोर्ट मास्टर्स है, तो जो भी रेसिंग रिलेटेड सारा कुछ है, तो मेरा वो कोर्स है उसमें, तो फिर इसलिए इसके बारे में हमको पता है, बिकॉज हम ये टीम के साथ काम करते हैं। तो सिल्वरस्टोन करके यहाँ पे एक बहुत अच्छा सर्किट है जहाँ पे फार्मूला 1 का रेस होता है, वहाँ पे इनका भी एक रेस होता है 1 week आफ्टर द फार्मूला 1 ग्रांड प्री। और फिर यहाँ ये मोटर स्पोर्ट वर्कशॉप है इनका, तो यहाँ पे इनके सारे इक्विपमेंट्स हैं, इनकी गाड़ियाँ अंदर पड़ी है। यहाँ पे अंदर ब्रूनेल TT रेसिंग करके भी एक होता है, वो इलेक्ट्रिक बाइक है, उसका रेस अलग अलग जगह पे होता है, तो वो लोग वो इलेक्ट्रिक पूरा बनाते हैं। और आप वो सामने देखोगे तो वो ब्रूनेल रेसिंग का दूसरा वाला कार है, जो फॉर्मूला स्टूडेंट नहीं है बट वो रैली रेसिंग होता है, वो लोग ये कार पे चेंजेस करते हैं। इसके अंदर इनका डायनोमीटर टेस्टिंग है, तो ये लोग यहाँ पे गाड़ी का बॉडी टेस्ट करते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है और कितना स्ट्रॉन्ग है ऐसा। और फिर ये बस पूरा इंजीनियरिंग मोटर स्पोर्ट्स है। देखो ये मोटर स्पोर्ट सेंटर है, यहाँ पे हमारे अंदर लैब्स है जहाँ सारा टेस्टिंग होता है। ये बेच रहे हैं भाई, ये तो फॉर सेल है, ये कह रहे हैं भाई ले लो गाड़ी, कितने की दे रहे हैं। है ना, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ना अपने यूनि के कैंपस में ही अमेजोन पिकअप लॉकर्स हैं, इधर आप अपना अमेजोन का ऑर्डर वो कर सकते हो और डायरेक्टली इधर से ले सकते हो। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से बचने के लिए, कि अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बंद होता है, जैसे सैटरडे संडे बंद होता है, और आपको ऑर्डर अर्जेंटली चाहिए, तो आप इधर अमेजोन पिकअप लोकेशन से वो मंगवा सकते हो। और सेम यही, जैसे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इधर से आपके जो हैवी ऑर्डर वगैरह हैं, जैसे मेल वगैरह जो आपके आएंगे ना, जो लेटर्स वगैरह हैं, वो आपको डायरेक्टली ही आप मतलब आपका अलग से ही ना इनका ना पोस्ट रूम है, तो आप वहाँ से वो पोस्ट रूम पे जाके कर सकते हो। लेकिन इधर आपके जो हैवी ऑर्डर्स हैं वो आएंगे इधर आपको सेंटर से, या फिर अगर आपके छोटे मोटे पैकेज हैं और जो अगर आप सिर्फ अमेजोन से मंगवा रहे हो, तो आप अपने अमेजोन लॉकर से करवा सकते हो। और ये इधर आर्ट सेंटर है, इसमें मतलब जो भी आर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं या जो
मतलब जो नॉर्मल जिन लोगों की जैसे सोसाइटीज होती हैं, जो क्लब्स होते हैं, जो मतलब सिंगिंग हो गया, डांसिंग वगैरह हो गया, या जो आर्ट्स प्रॉपर आर्ट वाले क्लब हैं, वो इन लोगों का पूरा इधर सेंटर है। इसका एक्सेस हमारे को नहीं है क्योंकि हमारा आर्ट्स वाला कोर्स नहीं है, वरना इनकी जैसे कि पोइट्री वगैरह का क्लब भी इधर ही होता है। और इधर आप मतलब देख सकते हो कि जैसे ये इनकी पूरा टाइम टेबल वगैरह है कि कौन सी क्लासेस कहाँ लगेंगी और कहाँ पे प्रैक्टिस क्लासेस हो रही हैं। और जैसे कि ना इधर ना ये वाले लोग भी आते हैं, जैसे कि गेस्ट स्पीकर वगैरह भी आते हैं, जो पियानो टीचर है या जो गिटारिस्ट है या जो इधर के जो ऑलरेडी एल्युमनाई हैं, वो भी अपना आके यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ना इधर जो अच्छी चीज़ है ना, जो मेरे को पूरे ब्रूनेल में ये अच्छी चीज़ लगती है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखने का मन है ना, तो उसका आपको ना यहाँ पे क्लासेस भी मिलती हैं। जैसे कि इधर ये वाली चीज़ में आपको गिटार ग्रुप में आपको 55 पाउंड्स देने हैं और आपको प्लस 9 जो आपकी ट्यूशन बुक वगैरह होगी, उसके बाद आप आराम से अपने वो कोर्स सीख सकते हो, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी आपके लिए कोई अलग स्किल्स है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे ना आराम से सीख सकते हो। तो इधर ना ऐसा है कि यूनी में ना आपको मतलब जो लोग बहुत जिनको शराब वगैरह पीनी है या दारू पीनी है, वो इधर आराम से पी सकते हैं। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि इधर यूनिवर्सिटी में कुछ अलाउड नहीं, जैसे इंडिया में होता है ना कि आपको वार्डन पकड़ लेगा, इधर कोई सीन नहीं है। आराम से इधर ही कोस्ट कटर में ही दारू मिलती है, कोस्ट कटर में ही दारू लो और इधर ही बैठ के पी लो आराम से। और ये कॉफ़ी शॉप है हमारी 1966। और भाई ये इधर कोस्ट कटर है, इधर सारी ग्रोसरीज वगैरह या कॉफ़ी वगैरह जो आपको वो लेनी है वो आप इधर से ले सकते हो। और इधर ना इंडियन डिशेज वगैरह भी होती हैं, जैसे कि ये इंडियन रेडी मिक्स है, ये नॉर्मल चिकन बाल्टी और राइस है, और जो भी नॉर्मल जो नॉर्मल ग्रोसरी ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए, या फिर यहाँ पे ना स्टारबक्स की कॉफ़ीज़ वगैरह भी मिलती हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे ना स्टूडेंट ही काम करते हैं सारे, तो अगर आपको जॉब चाहिए तो इधर भी जॉब मिल जाती है लोगों को। और फ्रोजन आइटम वगैरह भी इधर मिलते हैं, और यहाँ पे जैसे दूध वगैरह हो गया, मतलब पूरी प्रॉपर ग्रोसरी शॉप है आपकी, जो भी आपको चाहिए, या फिर जैसे कि ये है चिकन के आइटम्स हैं या मीट के आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि यहाँ पे हर एक नेशनलिटी के बच्चे हैं। जैसे जर्मन डिश है कोई, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेशनरी वगैरह भी इधर मिलती है, स्टेशनरी थोड़ी ये कोस्ट कटर पे ना जो सामान है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये यूनी के अंदर लोकेटेड है, आपको लिडल वगैरह या टेस्को वगैरह में थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। वैसे अवेलेबिलिटी आपको अगर अर्जेंट नीड चाहिए तो आप यहाँ से सब कुछ ले सकते हो। और दारू तो मिलती है भाई इधर, ऐसा कोई इंडिया की तरह टैबू नहीं है, जैसे यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटीज़ में या ना आपके चीट क्लब्स वगैरह भी अंदर बाहर वगैरह भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, या दारू वगैरह आपको हर जगह मिलती है इधर, आप आराम से खरीद सकते हो और बाहर ही कोस्ट कटर पे बैठ के पी सकते हो। तो ऐसा इंडिया की तरह टैबू नहीं है कि आपको कोई चीज़ पे किसी की भी रोक है, आप एक इंडिपेंडेंट एडल्ट हो और एज लॉन्ग एज आप आराम से सेंसिबली कोई काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और भाई ये इधर ना अपनी यूनी में ही सब्वे है इधर, तो इधर जिन लोगों को सब्वे पसंद है वो इधर सब्वे में से भी खा सकते हैं। और ये ना इधर मतलब ब्रूनेल की स्टूडेंट यूनियन है, बाहर मतलब अगर आपको कोई भी क्लब वगैरह है, सोसाइटी वगैरह ज्वाइन करनी है, वो उधर से आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना ये लोकोज है, ये वेन्यू है। वेन्यू में मतलब सारी मेन पार्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पे ना मेगा ग्लोबल होता है या जूसी वेंसडे होता है या कैरोके ट्यूसडे होता है, तो हर वीक में ना 3 दिन इधर पार्टी होती ही होती है। और फीस भी कोई मतलब 3-3 पाउंड की इधर फीस है, और 2-2 पाउंड के या 5-5 पाउंड के शॉट है और बियर है, वो भी आप इधर से आराम से ले सकते हो। और इधर भी ना इधर भी जैसे वहाँ पे अमेज़ॉन लॉकर था ना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास, इधर भी अमेज़ॉन लॉकर है, तो आप इधर से वो भी कलेक्ट कर सकते हो अपने ऑर्डर। और यहाँ पे ये सामने वेन्यू है, वेन्यू में इधर भी लोग बैठ के, ये वेन्यू है, ये लोकोज है, लोकोज में आराम से मतलब इधर ना पूल टेबल वगैरह है, या फिर बच्चे इधर ना फुटबॉल स्टेडियम मतलब फुटबॉल मैचेस वगैरह देखते हैं या क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं, वो सब इधर ही देखते हैं सब। और ये ऊपर है, ये ना जैसे इधर लोकोज है, इधर वेन्यू है, और ये सामने ना सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। इधर भी ना जैसे कि पूल टेबल वगैरह डाले हुए हैं इन लोगों ने, आप पूल वगैरह खेल सकते हो। अभी सैटरडे है, संडे है, तो इधर बंद है सब कुछ, वरना आप आराम से मतलब जाके यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करके, या आपकी क्लासेस नहीं है या ब्रेक है आपका, तो आराम से खाना पीना खा सकते हो आप इधर। तो ये इधर सीटिंग वगैरह है, और तो आप आराम से इधर आके बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने आज गलत वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि संडे है तो सब लोग अपने अपने पार्टी वगैरह कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में सोशलाइज कर रहे हैं, तो इधर क्राउड बहुत ज़्यादा कम है।
भाई ये लाइब्रेरी है हमारी और उसके साइड में ही 1966 कैफे है। और अभी लाइब्रेरी चलते हैं और लाइब्रेरी में एकदम इधर ना बहुत ज़्यादा हीटिंग है तो बहुत अच्छा लगता है एकदम यूनी में आके, मतलब लाइब्रेरी आके। और लाइब्रेरी के इधर ही आईटी सपोर्ट है तो अगर आईटी का कोई भी, जैसे कि आपका वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा है तो आपको इधर ही आईटी सपोर्ट में जाके दिखाना है। और ये 1966 कैफे है। और इधर ही ना फोटोकॉपी वगैरह आप अपनी ना यहीं से करवा सकते हो तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर ही फोटोकॉपी की मशीन वगैरह है या पानी इधर से मिल ले सकते हो। और इधर सारे लोग लाइब्रेरी में बैठे और ना इधर ना पूरे फ्लोर वाइज लाइब्रेरी है कि आधे जो कुछ अकेडमिक ग्रुप है जैसे कि लो वगैरह की सबसे ऊपर है थर्ड फ्लोर पर लाइब्रेरी है और इंजीनियरिंग वालों की सेकेंड पे है और बिजनेस स्कूल की फर्स्ट पे है। और अगर बुक वगैरह रीसेल करने के लिए आप इधर ही छोड़ सकते हो बुक, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हमेशा आपको अपने शेल्फ में लगानी है, आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो। जैसे जगह जगह पे लिख डाले हुए हैं इन लोगों ने, इसमें छोड़ दो अपने आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं लोग तो वो अपने आप रख देते हैं इधर। और ये PhD वाला सेक्शन है, सारे लोगों के थीसिस वगैरह है इधर। और ये स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का है। तो पहले मैं इधर ही बैठ के काम करता था अपना ऑफिस का, इधर दो दो स्क्रीन वाले हैं। और इधर ना ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ना इधर आप ना ये वाला रूम बुक कर सकते हो ग्रुप स्टडी वगैरह के लिए, तो आपका ना पर्सनलाइज रूम हो जाता है ये। आप इधर आके अपने बच्चों मतलब दोस्तों के साथ या जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप अपना आके रूम बुक कर सकते हो और उनके साथ अगर कोई डिस्कशन वगैरह करना है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वगैरह भी है, वाइट बोर्ड है और अपना सिस्टम दे रखा है उन लोगों ने, तो आप इधर आके अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकते हो। और बस चेक इन करना होता है, फ्री है रूम, कोई दिक्कत नहीं है और इजी, मतलब बढ़िया है कि आपको अगर बाहर लाइब्रेरी आपकी बंद है या लाइब्रेरी में ज़्यादा लोग हैं या डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप अपना एक पर्सनलाइज रूम बुक कर सकते हो। और ना मतलब ना रूम का साइज़ भी ना आप अपने ग्रुप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे बड़ा रूम है तो आपका अगर ग्रुप का साइज़ बड़ा है, जैसे कि कई कई प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि आपके ज़्यादा बच्चे हैं तो आप बड़ा रूम बुक कर सकते हो, अगर आपका छोटा ग्रुप है तो छोटा रूम बुक कर सकते हो। लेकिन इस रूम की एक कंडीशन है कि आप सिंगल के लिए बुक नहीं कर सकते हो, वैसे कोई चेक नहीं करता है लेकिन फिर भी ऐसा एडवाइजेबल है कि आप सिंगल के लिए बुक नहीं कर रहे हो, ग्रुप के लिए बुक कर रहे हो हमेशा। और लाइब्रेरी में ना ऐसे ना जगह जगह पर ये स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर आप अपनी बुक सर्च वगैरह कर सकते हो कि आपको कौन सी बुक चाहिए, मतलब लोड हो रहा है अभी, तो इधर आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी बुक जो भी आपको चाहिए वो आराम से, या आपको मैप चाहिए तो वो भी आप ढूंढ सकते हो इधर। ग्रुप स्टडी रूम वगैरह का भी आपको पता चल जाएगा। और प्रिंटर वगैरह आपको प्रिंट करना है, कौन से फ्लोर पे प्रिंट आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से ढूंढ सकते हो। और भाई ये लाइब्रेरी 1973 से बनी हुई है, थोड़ा सा रिफर्बिश करा होगा लेकिन फिर भी अपने टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बना रखी है। और ये किसी ने डोनेट करा था इसको। इधर ये लेटर सेक्शन है रिलीफ मुराल के, उसमें जोई टिल्सन्स के। और आपको ना एंट्री एग्जिट दोनों के लिए ना आपको ये चाहिए आईडी कार्ड नहीं होगा तो एंट्री नहीं देंगे। और इधर से आप ना बोरो वगैरह कर सकते हो तो बुक आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही बोरो का और उधर रिटर्न का स्टॉल लगा हुआ मतलब स्टैंड है, उधर से ही आप रिटर्न और बोरो कर सकते हो। और इधर ही ना आप खाने पीने का भी सामान है, खाते बुक पढ़ते पढ़ते बुक ले जाए, आपको नींद आ रही है आप पेप्सी पियो, कोक पियो या चॉकलेट वोफर्स वगैरह आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। तो भाई लाइब्रेरी से निकल के इधर आपको ना ये हमारा जो भी हम गए थे ब्रूनेल का यूनियन है, इधर ही लोकोस वेन्यू वगैरह है और इस साइड में सबवे है इधर। और इसके ऊपर ना आउटडोर सीटिंग भी, तो आप जब मतलब दोपहर वगैरह में आप आराम से इधर बैठ के खाना खा सकते हो और पूरा अच्छा व्यू मिलता है इधर, क्योंकि यहाँ पे चहल पहल होती है पूरी आसपास। और ये सबवे की साइड में ब्रूनेल हेल्थ है, मतलब ब्रूनेल हेल्थ काइंड ऑफ फार्मेसी है इधर, कि अगर कोई भी आपको चीज़ चाहिए या फिर यहाँ पे ना नॉर्मल कॉस्मेटिक का सामान भी मिलता है, आपको शैम्पू वगैरह चाहिए लोशन वगैरह चाहिए तो वो भी इधर से आप आराम से ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गंदी दिक्कत इधर क्या है कि सब कुछ ना मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है तो बाकी दिन आप कुछ नहीं कर सकते।
ना जगह जगह ये सेंटेंडर साइकिल का गैराजेज है जहाँ से आप अपनी साइकिल बोरो कर सकते हो। सेंटेंडर का मतलब 10 pounds में पूरा टर्म के लिए आपको साइकिल मिलती है, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपको पैसे लगते हैं 50 pence वगैरह, और आधे घंटे के बाद वैसे आपको आधे घंटे तक फ्री है। और ये सही साइकिल है, और ये इधर ब्रूनेल जॉब शॉप है। अगर आपको जॉब लगनी है या आपकी जॉब नहीं लग रही है कहीं पर भी, तो आप इनको जॉब करने मतलब आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये आपकी जॉब लगवा देंगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी में होता है वैसे, लेकिन ये सही है, सब लोगों को जॉब मिल जाती है हमारी यूनि में। तो भाई इधर अब ये ना पूरी यूनिवर्सिटी इधर ख़त्म हो गई है हमारी, और अभी सामने ना सिर्फ आइसमार्ट कॉम्प्लेक्स है। आइसमार्ट कॉम्प्लेक्स मतलब रेजिडेंसीज है, और मेनली पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए है। तो इधर तक यूनिवर्सिटी है, ये भी एक ना एजुकेशन यूनिट है। तो उसके बाद अभी एक रोड आएगा, उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है, यूनिक पूरी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ रेजिडेंसीज बचाते हैं। तो लास्ट जो इधर बिल्डिंग से ख़त्म हो गया ना, ये हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, और इधर ही मतलब मेन एक साइड कैंपस का रिसेप्शन भी है इधर। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। ये ना विल्सन ब्राउन मतलब कैंप बिल्डिंग है विल्सन ब्राउन, तो इधर भी एक मेन रिसेप्शन है, क्योंकि सारा उधर बहुत दूर हो जाता है। और एक हमारा रोड ये भी कनेक्टिंग है, तो आधे लोगों के लिए ये भी मेन रिसेप्शन है। और इधर ही सिक्योरिटी ऑफिस वगैरह आपकी चाबियाँ वगैरह गुम हो गई, तो आपको मेन सिक्योरिटी ऑफिस कॉल करना पड़ेगा इधर, या इधर आके आप आराम से डील कर सकते हैं आपके सारे इश्यूज। और इधर से अगर आप सीधा जाओगे ना, तो आपको कार पार्क वगैरह मिलेगा इधर, जो विजिटर पार्किंग है, और जो नॉर्मल पार्किंग में जो लोग सिर्फ वैसे आ रहे हैं ना, जिनकी मेन हॉल में पार्किंग नहीं है या जिनकी एकोमोडेशन में पार्किंग नहीं है, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो ऑफिस में गलती वगैरह आते हैं, वो लोग इधर ही कार पार्क करते हैं अपनी। और ये एक मेन कनेक्टिंग रोड है इधर यूनि के बीच में, तो इधर से मतलब ये मेन कनेक्टिंग रोड है इधर। तो आधी यूनिवर्सिटी इधर डिवाइड हो जाती है, और अभी ग्रीन हो गया तो चलते हैं। और वो ना बस स्टॉप है जो यूनि के बीच में सेंट्रलाइज बस स्टॉप सबसे यही है, और इधर U3 बस स्टेशन बस आती है। और ये क्लीवलैंड रोड है ये वाला रोड, और ये मेल हॉल है। ये सारा ना आइसमबार्ड अब स्टार्ट हो गया है, और अब ये यहाँ से इधर से पूरा अपना सिर्फ एकोमोडेशन स्टार्ट हो गया। ये मैरिज होता हमने क्रॉस कर लिया है, और ये इधर हमारा यूनिक आना मतलब मीटिंग रूम है। इधर आप बैठ के ये भी बुक कर सकते हो मीटिंग रूम भी, और अगर किसी को मीटिंग वीटिंग करनी है या कोई सोशल, जैसे कि मीटिंग रूम में ना बेसिकली जो रूरल सोसाइटीज़ है ना उनकी मीटिंग होती है, जैसे कि हिंदू सोसाइटी वगैरह है, या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटी है, उन लोगों की मीटिंग होती है। वो लोग ग्रुप में अपना मीटिंग कर सकते हैं, थोड़ी छोटी मोटी सोशल गैदरिंग कर सकते हैं। और इधर भी ना कार पार्किंग है, क्योंकि ना सारे हॉल्स के सामने ना पार्किंग नहीं है, तो कई कई सेंट्रलाइज पार्किंग भी है वहाँ पे आप कर सकते हो। या जैसे कि हॉल के सामने कुछ ही पार्किंग स्पॉट्स हैं, तो जिनको पार्किंग नहीं मिलती है वो इधर आके पार्क कर सकते हैं, और उधर भी पीछे भी बहुत सारे पार्किंग स्पॉट्स हैं। और ये इधर गैलब्रेथ हॉल वगैरह है, और ये सामने ना मेन कॉनकोर्स का रिसेप्शन है। पहले यह इस्लामाबाद रिसेप्शन था, लेकिन अब ये कॉनकोर्स रिसेप्शन है, क्योंकि पूरे को अपना इन्होंने कॉनकोर्स के पिच मतलब कॉनकोर्स से अटैच है ये। वैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद है वहाँ रोड से लेके इधर तक, और ये इस्लामाबाद स्टूडियोज है सामने। इधर भी इवेंट वगैरह होते रहते हैं, या फिर इधर भी ना एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर टाइप है, क्योंकि उधर से बहुत दूर हो जाता है, तो इधर भी पास में कन्वीनियंस के लिए रखा है। इधर पेप्सी वगैरह है, सामने अमेजोन लॉकर भी इधर भी है, जो भी इस्लामाबाद के लोग हैं वो सब इधर ही ऑर्डर करते हैं। और इधर कीज़ वगैरह कलेक्ट वगैरह करने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो। और उधर सारे हॉल्स हैं, जैसे कि मेडो हो गया, माइकल बेविस हो गया, तो उधर सारे हॉल है, इधर से भी रास्ता जाता है। और इधर नॉर्मली आइसमार्ट स्टूडियोज़ के ये लास्ट तक है उधर पूरा स्टेशन रोड तक। और इधर आप अपनी कीज़ वगैरह, अगर मतलब इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे ना अपडेट करते रहते हो अपने कार्ड को, जैसे कि क्योंकि ना ऐसी फैसिलिटी है इधर की 24-48 hours के बीच में आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर देते हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो लगते हैं अगर आपको अपडेट करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। और ये इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नॉर्मल बैठने का, और थोड़े बहुत गेम्स हैं इधर, और ऊपर पूरा स्टूडियो है। और इधर ही ना ये आपका ब्रूनेल का ये जो हम सेंटेंडर साइकिल वाला गैराज है, इधर ये भी एक भी गैराज है। तो हर एक चीज़ बहुत सारी जगह है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मुश्किल होती है कोई चीज़ ढूंढने में या करने में। तो भाई ये सारा रेजिडेंसीज है आइसमार्ट में, और इधर से अगर आप लोग जाओगे तो लिडल वगैरह का रास्ता जाता है इधर। ये वेस्ट हॉल वगैरह है, और सामने इसका लॉन्ड्री रूम भी है, तो मैं लॉन्ड्री रूम वगैरह दिखाता हूँ, और सारे तो नहीं कवर कर सकता एक एक हॉल, तो अभी कुछ कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। और इधर ना ये डोनेशन बॉक्सेस वगैरह भी रखे हुए हैं, अगर आपको कोई कपड़ा वगैरह नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे आके डोनेट कर सकते हो। और फिर वो एक नॉर्मल ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, वो वाले वो पिकअप करके ले जाते हैं इधर से ही, और वो डोनेट कर देते हैं छोटे बच्चों को या नीडफुल लोगों को। और मेरे हॉल से सबसे नज़दीक जो लॉन्ड्री स्टेशन है वो ये है,
इधर सेंट्रल हॉल के पास, और इधर इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि लॉन्ड्री आप कैसे कर सकते हो या क्या है, उसका लिंक भी इधर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर नीचे ढूंढने वाले को मिल जाएगा। तो इधर से लॉन्ड्री वगैरह भी कर सकते हो आप, और ऐसे गाड़ी अपने आप बाहर भी पार्क कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो नॉर्मल डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स भी बना रखे हैं वहाँ पर भी आप पार्क कर सकते हो। तो गाइस ये मेरी यूनिवर्सिटी का काइंड ऑफ टूर था, और मैंने जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता था सारी चीज़ें स्ट्रेच कर करके मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो जो भी लोग मतलब ब्रूनेल लाने का सोच रहे हैं ताकि उनको एक ओवरव्यू मिल जाए या उनको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाए कि हम कैसे मतलब उनको कुछ भी अप्लाई करने से पहले या अगर वो लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या हम इस यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जिनके साइड ऑप्शन में है ब्रूनेल तो उनको थोड़ा सा एक फेयर आइडिया मिल जाए कि उनको ऐसा कुछ आउटकम मिलने वाला है या ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया।